हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं करीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज़ सीमांचल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज है 14 मई 2019। तो आज के सीमांचल सहित पूरे बिहार के टॉप 20 न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का प्रायोजक है क्रिसेंट पब्लिक स्कूल किशनगंज, जो सीबीएसई पैटर्न से शिक्षा दी जाती है। इस बार 2019 सीबीएसई बोर्ड मैट्रिक की रिजल्ट में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल की छात्रा माहे फलक 97.8% मार्क्स लाकर डिस्ट्रिक्ट टॉप की है। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि अगले 8 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। साथ में मांझी ने कहा कि मुझे भोला और सीधा जानकर बिहार के सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन जब मैंने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम करना शुरू किया तो ये बात कुछ लोगों को चुभने लगी और मुझे सीएम पद से हटा दिया गया। जीतन राम मांझी ने साथ में ये भी कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लोगों को ठगा है। 23 मई के बाद झूठों की सरकार समाप्त होने वाली है और अगले 8 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। बिहार के शिवहर से भाजपा उम्मीदवार रमा देवी के कमरे से 4 लाख रुपए बरामद की गई है। उसके बाद उन पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि पूर्वी चंपारण के एक होटल से नकदी 4 लाख रुपए बरामद होने के बाद शिवहर से भाजपा उम्मीदवार रमा देवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भागलपुर जिला में मिर्जान हाट के मधनुचक मोहल्ले में भाजपा नेता सूर्य शंकर शाह ने लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी पत्नी और बेटे के सामने अपने बहू महिमा भारती को गोली मारकर जख्मी कर दी है। मामला दहेज को लेकर हुआ है। गंभीर हालत में महिमा को परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नेबरहुड स्कूलिंग के जरिए शिक्षा में प्रगति, बालिकाओं के स्कूल आने में बढ़ोतरी, जन्म दर में भारी कमी को देखते हुए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 5 लाख है और नियमित शिक्षकों की संख्या सिर्फ 60,000 है। इस केडर को सरकार ने डाइंग केडर कहा है, जिसे बंद किया जा रहा है। बड़ी खबर मिल रही है मौसम विभाग से। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि सीमांचल के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से आ रही खबर के मुताबिक जिन जिलों के बारे में जिक्र किया जा रहा है वह मधुबनी और सीतामढ़ी है। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान आने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि सीमांचल में मौसम का मिजाज अचानक बदला है। बिहार में अपराधी एक बार फिर से बेखौफ होते दिख रहे हैं। ताजा मामला बिहार के खगड़िया जिले से है, जहां अपराधियों ने लूटपाट की कड़ी में बेगूसराय जिले के रहने वाले 2 भाई को गोली मार दी है। इस गोलीबारी की घटना में एक की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घटना खगड़िया जिले के भरतगंज और नौगछिया के बीच की है। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी चंदन राय की पुत्री के तिलक समारोह से 2 भाई वापस लौट रहे थे। इस दौरान दोनों भाई को स्कूटी सवार अपराधियों ने गोली मार दी और बाइक लेकर फरार हो गए। बिहार के सीवान जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरोली सरसर के पास हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इस घटना में 4 लोगों की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में घायल हुए लोगों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का शिकार हुए बस गोपालगंज से सीवान आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। अररिया जिले के भरगमा में सुबह टहलने को निकले रघुनाथपुर उत्तरी के पैक्स अध्यक्ष सुभाष कुमार सुमन पर एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने 4 गोलियां चलाई। घटना में वे और उनके साथ के व्यक्ति बाल बाल बच गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे भरगमा पुलिस ने मामले की तहकीकात की और घटनास्थल से 1 खोखा बरामद किया है। पूर्णिया सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला शाखा द्वारा वेतन की समस्या समेत कई मुद्दों पर अहम बैठक की। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इस कारण से लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार के नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र के पचोरा गांव में बारात में खाना खिलाने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में लड़की वाले और बाराती आपस में भिड़ गए। इस दौरान लड़की वालों के पक्ष के लोगों ने बारातियों को सड़क पर दौरा दौरा कर मारा है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में महिला समेत 10 लोग जख्मी हो गए हैं। गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सोमवार का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और इसने बीते 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 मई को किशनगंज शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर तेज गर्मी के कारण से लोग परेशान रहे। तीखी धूप के कारण दिन भर सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ रहा।
पूर्णिया जिला के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के NH 57 पर सिम्मा काली मंदिर के पास अररिया की तरफ से आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइजर से टकरा गई। इससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही SI बक्कम लाल मांझी सब दल पहुँच कर सभी घायलों को PSC जलालगढ़ पहुँचाने के साथ ही गाड़ी को थाना ले गयी। बिहार के कटिहार जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी समारोह में महज इस बात पर विवाद हो गया क्योंकि वहाँ पर खाने में मटन नहीं था। मटन नहीं मिलने से आक्रोशित गांव वालों ने जमकर बवाल काटा और यहाँ तक कि शादी भी रुकवा दी। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। नाराज गांव वालों ने बारातियों के साथ दूल्हा और दुल्हन की भी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। बेगूसराय जिला में लगातार बढ़ रही लूट गोलीबारी समेत अन्य अपराधों को लेकर DIG मनु महाराज की सख्ती का असर पुलिस टीम पर दिखाई दिया है। हालांकि हाल ही की सबसे बड़ी लूट की घटना को सुलझाने में टीम को अब तक सफल नहीं मिली है, लेकिन बीते 24 घंटे में पुलिस टीम हरकत में आ गई। 7 वर्षों के प्रयास के बाद NABI ने काला गेहूँ विकसित किया है। इसकी खेती पूर्णिया के जलालगढ़ में शुरू भी की गई है। कोसी और सीमांचल में पहली बार 10 एकड़ खेत में किसान विश्वनाथ अग्रवाल ने काला गेहूँ की खेती की है। मधुबनी बाजार से मधुबनी कॉलोनी जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 10 वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। सड़क का हाल ऐसा है कि इस पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। हल्की बारिश में ही इस सड़क पर घुटने भर पानी जमा हो जाते हैं। जल जमाव के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सुपौल जिला के भीमनगर पंचायत के अंतर्गत NH 106 में फुलकहा वितरणी भीसी के पास साइड लेने के क्रम में रेन कट की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। बिहार के कटिहार जिले में जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले में दबंगों ने दबंगई दिखाकर एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। यही नहीं, पिटाई के बाद उसको पेशाब भी पिलाया गया। घटना कटिहार जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के नया टोला बहादुरपुर बगुलार घर की है। पीड़ित सद्दाम हुसैन के मुताबिक दबंगों ने रास्ते से उसे उठाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सद्दाम को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के मुताबिक गांव के ही दबंगों ने उसकी जबरदस्ती पिटाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, नए विजिट कर रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन है वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।